तो मित्रों हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशंस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए SL फॉर्मूला। SL की फुल फॉर्म क्या है? सुनील लखोटिया। सुनील लखोटिया फॉर्मूला क्या कहता है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयरन और सॉल्ट, कंसंट्रेशंस ऑफ आयन, आयन कौन से? कैल्शियम प्लस टू और मैग्नीशियम प्लस टू और सॉल्ट इन मिली मोल पर लीटर, या आप बोल सकते हो मिली मोलर। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया वो आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। हार्डनेस ऑफ वाटर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन कौन से? कैल्शियम प्लस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और अगर दोनों है तो दोनों का समेशंस कर लो, और सॉल्ट इन मिली मोल पर लीटर में लिखिए, और इसी को बोलते हैं हम मिली मोलर। मिली मोलर ये हार्डनेस आएगी आपकी मिली मोल पर लीटर, या इसको बोल सकते हैं हम पीपीएम। बात बराबर है? तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। यहां पर मिली मोल नहीं आएगा, ये मिलीग्राम पर लीटर आएगा, मिली ग्राम पर लीटर और पीपीएम। इज दैट क्लियर? तो पहले एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ ए 1 लीटर सॉल्यूशन हैज 2 × 10⁻³ ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, देन फाइंड हार्डनेस। यहां जो हार्डनेस है वो रिलेटिव हार्डनेस भी कहलाती है। तो आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ CaCl2 कैसे निकालेंगे? आपको मास कितना है? 2 × 10⁻³ अपॉन, ये तो ग्राम में आ गया, मोलर मास। कैल्शियम क्लोराइड कितना होगा? कैल्शियम का 40 प्लस 71, 111। ये आपके पास मोल आ गए कैल्शियम क्लोराइड के, ये मोल है। मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करना है, 10³। मिली मोल पर लीटर, लीटर कितना दिया गया है? 1 लीटर। तो ये आपके पास आ गई कंसंट्रेशंस मिली मोल पर लीटर में, और अब आपको हार्डनेस बतानी है। जो कि आपके पास आ जाएगी, ये कैलकुलेशन किया आपने तो 2 / 111, ये आपके पास हार्डनेस आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी आप आसान भाषा में बोल सकते हो 200 / 111, यानी 1. अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा? 1, 2 से कम रहेगा, और 1.8 या 1.9 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। इसका यूनिट होगा मिलीग्राम पर लीटर या फिर पीपीएम। ये बहुत इजी एग्जांपल हो गया, लिख सकते हैं आप। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल टफ करते हैं। एक और एग्जाम्पल, इफ 2 लीटर H2O हैज 100 मिलीग्राम
ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फाइंड हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। सॉल्यूशन मेरा बहुत इजी है, मैं चाहता हूं एक ही लाइन में हो जाए, तो मुझे कुछ भी नहीं अलग नहीं करना। 100 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशंस ऑफ कैल्शियम प्लस टू आयन प्लस कंसंट्रेशंस ऑफ मैग्नीशियम प्लस टू आयन इन मिली मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर में। तो एक तरह से ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम आयन के कितने मोल हैं, मिलीग्राम दे रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 100 मिलीग्राम में लेने पे आपको सीधा 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास करते ही आपको मिली मोल मिल जाएंगे, और कैल्शियम के मिली मोल मोलर मास कितना है जल्दी बोलो। SO4 का 96 प्लस 40, 96 प्लस 40 कितना हुआ, बिल्कुल सही कहा, 136, सही है। तो ये तो हो गया कैल्शियम सल्फेट का मास। अब दूसरी तरफ यानी मिलीग्राम में रखने पर आपको मिलीमोल मिल गए, मिलीमोल डिवाइडेड बाय लीटर, जल्दी से बोलें कितना लीटर है आपके पास, 2 लीटर। प्लस दूसरी तरफ 200 मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय MgCl2 जिसका मोलर मास कितना है, 24 प्लस 71, 24 प्लस 71, 24 तो मैग्नीशियम का, 71 तो कितना हो रहा है 5, और ये हो गया 95 डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 2, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर की यूनिट होगी ppm, या फिर आप बोल सकते हो मिलीग्राम पर लीटर, तो इसकी यूनिट होगी ppm या मिलीग्राम पर लीटर। करिए इसको। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने ये फॉर्मूला कैसे डेराइव किया और ये कैसे वैलिड हो रहा है। देखिए, तो उसके लिए पहले फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं। तो देखो, साइंटिस्टों का क्या मानना है कि जो भी हार्डनेस है वो उसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में बताया जाए, हर चीज यानी रिलेटिव। तो अब कैसे बताया जाए, उसके लिए उन्होंने पहले ही कहा कि किन सॉल्ट की वजह से हार्डनेस थी, उन्हें पहले डिटरमाइन करें। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट हम जानते थे कि जो हार्डनेस आ रही है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की वजह से है। तो हार्डनेस, हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम प्लस टू मैग्नीशियम प्लस टू लाइक सॉल्ट, मेनली हमारे ये दो ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, स्केडियम वगैरह डी ब्लॉक के बहुत सारे हैं, जिंक क्रोमियम प्लस टू Fe प्लस टू एक्सेस्ट्रा, लेकिन अभी हम बात करेंगे हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम प्लस टू और मैग्नीशियम प्लस टू लाइक सॉल्ट, ठीक है। हमें ये ppm में बताना होता है, ppm का मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर में। तो हम क्या चाहते हैं कि इनकी क्वांटिटी मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लो, मिलीग्राम कन्वर्ट इन मिलीग्राम पर लीटर। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए वेट ऑफ सब्सटेंस या जो भी सॉल्ट है, उस सॉल्ट को डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास नहीं, वेट ऑफ सॉल्ट, उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको वेट ऑफ सॉल्ट इसको मिलीग्राम में रखेंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर, इससे आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर में। ये हो गया, जब आपके पास मिलीग्राम पर लीटर में सॉल्ट के लिए हो गया, तो फिर उसको रिलेट करेंगे किससे, कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट
में क्यों करेंगे उसका आंसर मैं दे रहा हूं। तो सबसे पहले अगला पॉइंट होगा आपका कन्वर्ट इन रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जितनी भी कैल्शियम सॉल्ट्स हैं उसे आप कैल्शियम कार्बोनेट बना के डिकम्पोज करके अलग करते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक स्टैंडर्ड कंपाउंड हो गया हार्डनेस को अलग करने का, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का वो सॉल्ट है जो डिजॉल्व नहीं होता और पीपीटी बन के नीचे बैठ जाता है और सिस्टम से अलग हो जाता है। तो इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेस्पेक्ट टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब ये जो क्वांटिटी है इसको कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए ही आप कर रहे हैं वेट ऑफ सॉल्ट मिलीग्राम वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर। किसके रेस्पेक्ट में करना है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसको करना है? गिवन सॉल्ट को। तो जिस सॉल्ट को करना है उसका मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट और मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह से हमें करना होता है। तो जब आप ये करेंगे वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मोलर वेट ऑफ सॉल्ट, तो ये क्या हो जाएगा? मिलीग्राम में रखना है वेट, मिलीग्राम, तो इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी? मिलीमोल। और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या आ रहा है आपके पास? 100। तो एक तरह से आपके पास ये हो गया मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर मल्टीप्लाई बाय 100। मोलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 100। ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? मिली मोल में कंसंट्रेशन। तो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर? मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको बोलोगे आप मिली मोलर सॉल्यूशंस, मिली मोलर और 100 आपके पास पहले ही है। और यूनिट क्या बनेगी अब आपके पास? इसकी यूनिट बनेगी मिली मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय मोलर वेट आ रहा है तो मिलीग्राम पर लीटर, और मिलीग्राम पर लीटर को हम पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये बहुत अच्छी बात मैंने बताई, अगर किसी की क्वांटिटी मिलीग्राम पर लीटर है तो वही पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया, हार्डनेस इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय मिली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्ट। तो जितनी गिवन सॉल्ट की होगी उतनी कैल्शियम आयन की होगी, वही मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो आपको अगर एक से ज्यादा आयन दिए हुए हैं या एक से ज्यादा सॉल्ट दिए दिए हैं तो आप सभी को समेशंस कर लीजिए, और इसका एडवांस वर्जन भी निकाल सकते हैं समेशन रूल लगा के, और वो लगेगा अगर एक से ज्यादा सॉल्ट दे रखे हैं तो, नहीं तो हमारा काम चल ही रहा है एक सॉल्ट के लिए। लिखें इसको।